लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए इन दिनों देश भर में स्वस्थ भारत यात्रा निकाली जा रही है। ये स्वस्थ भारत यात्रा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का चक्कर लगाकर सोलन पहुंची, जहां पर रैली निकालकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया, साथ ही पौष्टिक आहार की भी जानकारी दी गई। सोलन में स्वस्थ भारत यात्रा के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान रैली के माध्यम से लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक किया गया। यात्रा में सोलन के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान रैली के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि वे हमेशा ताजा भोजन करें और जंक फूड से दूरी बनाए रखें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में स्वस्थ भारत यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सोलन पहुंची है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा नाहन के लिए रवाना होगी। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के बारे में जागरूक करना है। ये स्वस्थ भारत यात्रा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में अवेयर करने के लिए आई है। और ये यात्रा पूरे भारत में निकली है। इसके 6 ट्रैक हैं और ये फर्स्ट ट्रैक है जो लेह से चला है 26 अक्टूबर को, और 27 जनवरी को ये दिल्ली पहुंचेगा। तो हमारे पास ये यात्रा 30 दिसंबर 2018 को कंडा घाट में हमने इसको वेलकम किया। उसके बाद यात्रा शिमला गई, शिमला के बाद दोबारा 3 तारीख को हमारे पास यहाँ है, आगे है, और कल इसकी हम फ्लैग ऑफ करके इसको नाहन भेजेंगे FSSAI से। और दूसरा जो सहयोग मिला, NCC वाले कैडेट हैं, स्कूल के बच्चे हैं, नर्सिंग वाले हैं, व्यापार मंडल ने भी इसमें बहुत सहयोग किया है। तो लोगों को जाके लोगों को अवेयर करने का प्रोग्राम है। साथ में हमारे पास मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी साथ चली हुई है, जो फूड में जो जो एडल्ट्रेशन है उसको ऑन द स्पॉट ही एनालिसिस कर रहे हैं, और कैसे हम उनको एनालिसिस कर सकते हैं लोगों को बता रहे हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।